बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम एहसान अली खान अपने यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह लर्निंग पॉइंट पे। डियर स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे बाय इन्वर्जन मेथड। डियर स्टूडेंट, बताता चलूँ कि इस पूरी एक्सरसाइज में दो मेथड इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इन्वर्जन मेथड एंड द सेकंड वन इज़ क्रैमर रूल्स या क्रैमर मेथड। डियर स्टूडेंट, आज मैं यहाँ पे इन्वर्जन मेथड पे डिस्कस करूँगा। इन्वर्जन मेथड क्या है, ये कब इस्तेमाल होता है, बताता चलूँ कि जब मुझे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं तो उनमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं उनको फाइंड करने के लिए हम मैट्रिक्स में इन्वर्जन मेथड लगाते हैं, जिससे हम वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, सीखते हैं कि हम किस तरह उन दो इक्वेशंस की हम मैट्रिक्स बनाते हैं और मैट्रिक्स बनाने के बाद हम किस तरह उनको बाय इन्वर्जन मेथड सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं, 4x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 9 एंड -3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। हमने इसको बाय इन्वर्जन मेथड सॉल्व करना है। सबसे पहले बताता चलूँ कि इसमें से मैंने 3 मैट्रिक्स निकालने हैं दो इक्वेशंस में से। फर्स्ट वन मैंने वो मैट्रिक्स निकालना है जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट इन्वॉल्व होते हैं, उनका एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। दूसरा मैं जो इन दो इक्वेशन में वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे उनका एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। और थर्ड जो मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा वो मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा जो कांस्टेंट होते हैं उनका। तो ये 3 मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा इन दो इक्वेशन में से, और उसके बाद आगे जाके उसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह इन्वर्जन मेथड को हम लगाते हैं। डियर स्टूडेंट, पहला जो मैं मैट्रिक्स निकालने लगा हूँ वो कोएफिशिएंट का होगा 4, ये 4, 1, -3 एंड -1। डियर स्टूडेंट, मैंने इसको A का नाम दे दिया है, आप किसी भी इसको मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं। और दूसरा, मैं इन दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उनका जो है मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ एक्स और वाई। तो ये मैंने एक्स और वाई का, मैंने इसको एक्स का नाम दे दिया है, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। और तीसरा जो मैंने बताया आपको कि मैं कांस्टेंट का मैट्रिक्स बनाऊंगा, वो मैंने कांस्टेंट का बनाया 9 -5, और मैंने इसको बी का नाम दे दिया है, आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यू मेरे पास ये आ गया है AX इज इक्वल टू बी। डेयर स्टूडेंट, अब मुझे चूंकि वेरिएबल्स की वैल्यूज चाहिए तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक्स रखूँगा, ए जो है उसको मैं उधर जाके डिवाइड कर दूंगा। तो जब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स फॉर्म में आ जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी बन जाएगा। डेयर स्टूडेंट, इनवर्स निकालना आपने एक्सरसाइज 1.5 में सीख चुके हैं आप। ए इनवर्स का फार्मूला आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटरमिनेंट। डियर स्टूडेंट, एडजॉइंट निकालना भी आप जानते हैं, डिटरमिनेंट निकालना भी आप जानते हैं। अब यहाँ मुझे इस इक्वेशन 1 में पहले तो ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स का फार्मूला हम जानते हैं, मैं लगा चुका हूँ एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में बताता चलूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लेते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का आप अगर एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो उनके जो डायगनल एलिमेंट हैं उनकी प्लेस चेंज कर देते हैं, और जो नॉन डायगनल एलिमेंट हैं उनकी आप साइन चेंज कर देते हैं। अगर वो प्लस का है तो नेगेटिव बना देते हैं, और अगर वो नेगेटिव के हैं तो प्लस के बना देते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास ये मैट्रिक्स था, इसके मैंने जो डायगनल एलिमेंट है उनकी मैंने प्लेस चेंज कर दी है, और जो नॉन डायगनल एलिमेंट है उनके मैंने साइन चेंज कर दिए हैं। ये जो प्लस का 1 था उसको मैंने माइनस का बना दिया है, और ये जो माइनस का 3 था उसको मैंने प्लस का 3 बना दिया है। डियर स्टूडेंट, यूं एडजॉइंट तो मेरे पास आ गया, बाकी रहा ए डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट हम बना लेते हैं, ये ए डिटरमिनेंट फॉर्म मैंने बनाई 4 1 -3 -1, ये आ गया। अब ए डिटरमिनेंट फाइंड कैसे करते हैं,
आप अच्छी तरह जानते हैं 1.5 में बार बार आप जो है डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं कि डायगनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाया जाता है और दरमियान में माइनस लगाई जाती है, फिर नॉन डायगनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये डायगनल एलिमेंट को मैंने मल्टीप्लाई करवाया 4 x -1 माइनस नॉन डायगनल को मल्टीप्लाई करवाया -3 x 1। डियर स्टूडेंट, जो मेरे पास ये -4 के बराबर आया और ये माइनस माइनस प्लस 3 x 1 3 के इक्वल आ जाएगा। जी तो डियर स्टूडेंट, यू मेरे पास ये -1 के बराबर आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट। डियर स्टूडेंट, अब मेरे पास एडजॉइंट भी आ चुका, डिटर्मिनेंट भी आ चुका, इस तरह मैं ए इनवर्स फाइंड कर लूंगा और जब मेरे पास ए इनवर्स आ जाएगा उसको मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, विद बी मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो मेरे पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। डियर स्टूडेंट, ए इनवर्स जो है मेरे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए हमने ये निकाला, ये पुट कर दिया, और जो डिटर्मिनेंट है अभी हमने -1 निकाला, वो भी मैंने -1 डिवाइड कर दिया। डियर स्टूडेंट, ये -1 बता रहा है कि ये एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स जो ऊपर खड़ा है उसको डिवाइड कर रहा है, तो यूं ये -1 ओवर -1 यूं ये +1 बन जाएगा। इसी तरह ये डिवाइड करेगा तो ये माइनस इसको प्लस बना देगा और इस प्लस वाले को माइनस का बना देगा, इसी तरह 4 को भी -4 बनवा देगा। डियर स्टूडेंट, ये यूं मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अब इस ए इनवर्स को करना क्या है, आपने इधर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। जी तो डियर स्टूडेंट, ए इनवर्स की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब ए इनवर्स की वैल्यू ये देखें, मेरे पास 1 इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी मैंने दोबारा लिख ली है। तो ए इनवर्स अभी अभी हमने निकाला 1 1 -3 -4 एंड बी हमने यहाँ पे पहले यही काम किया था, कांस्टेंट का जो हमने मैट्रिक्स बनाया था वो मैंने लिख लिया 9 -5। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करना आप ऑलरेडी जानते हैं, वेरी इजी, 1 x 9 + 1 - 5। इसी तरह सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, -3 x 9 + -4 x -5। अब इसको मैं सिंपलीफाई कर लेता हूँ डियर स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 9 x 1 9 + -5 x 1 5। यू मेरे पास ये 4 के इक्वल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, नीचे चेक करते हैं, ये मेरे पास -27 - +20 आ जाएगा, -27 + 20, तो यू मेरे पास जो मेरे पास ये वैल्यू बचेगी वो -7 आएगी। और आप जानते हैं कि x को मैंने इस मैट्रिक्स को मैंने x का नाम दिया था, तो मैं इस x की जगह पे यहाँ मैं xy जो है पुट कर सकता हूँ। डियर स्टूडेंट, तो मैं अब कह सकता हूँ कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये x के इक्वल है और जो जो नीचे है -7 वो y के इक्वल है। यूं मेरे पास x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू -7 आ गई। जी तो डियर स्टूडेंट, ये था इन्वर्जन मेथड। आप वीडियो को रोक के भी सुन सकते हैं, अगर किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम हो आप उसको बार बार एक मरतबा करें ट्राई, इंशाल्लाह ये वेरी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आता है, वेरी जो है इम्पोर्टेंट है। ये वाली पूरी एक्सरसाइज बाय क्रैमर रूल क्वेश्चन आ सकता है या बाय इन्वर्जन मैथड। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। बहुत शुक्रिया।